सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत त्रिपाठी, इंचार्ज प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिंहरी है। आप जो रैली निकली है बच्चों को, जो अपने ग्राम सिमरिया में पूरी जगह जागरूक किया है बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को आपने जागरूक किया है, इससे क्या है, इसका महत्व क्या है? इसलिए किया गया, एक तो शासन की मंशा यह है कि प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में नामांकन हो जाए। कोई भी बच्चा जो पूर्व में विद्यालय में पढ़ता था किसी में वो, और जो कहीं नहीं भी पढ़ा है वो, कोई भी बच्चा विद्यालय से वंचित ना रह पाए। प्रत्येक बच्चे को उसकी एज के हिसाब से प्रत्येक कक्षा में एडमिशन मिल जाए, इसलिए हम लोगों ने गाँव में जागरूकता रैली निकाली है। और पूरा का पूरा महीना हम लोग साक्षरता जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि कोई भी बच्चा बिना विद्यालय के ना रह पाए। सर जी हमारे चैनल में स्वागत है। सर आपका क्या नाम है? अरविंद सिंह। सर सर इससे आप क्या समझते हैं, आप ये जागरूकता रैली अभियान जो सरकार चला रही है, इससे क्या जागरूक होंगे बच्चे, माँ बाप उनके जागरूक होंगे? निश्चित रूप से शासन की ये मंशा है कि कोई भी 6 से 14 वर्ष का बालक या बालिका है शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। आरटी एक्ट लगा हुआ है तो उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि सरकार का ये दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष का बालक शिक्षा से वंचित ना रहे, हर हाल में उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। यदि कोई बच्चा इस जंतु का आवास, मतलब यह है कि यदि कोई बालक ग्राम में ऐसा मिलता है कि जो अपनी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उसका नाम जो है उसकी उम्र के अनुसार कक्षा में उसका किया जाए और उसको जो है विद्यालय पढ़ाया जाए। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति है, मैं यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिमरिया में सहायक अध्यापक के पद पर हूँ। तो जी रैली है जागरूकता अभियान, जी रैली निकाली है आपने ग्राम सिमरिया में, इससे आप क्या समझती हैं? इससे मेरे इतना तो लाभ होगा कि माँ बाप बच्चों के जागरूक होंगे और उनको उनके ऊपर इतना तो प्रभाव पड़ेगा कि वो बच्चों को रोज स्कूल भेजेंगे तो हर बच्चा शिक्षित होगा और यही इसका वो है। तो जी सरकार अभियान चला रही है, आप इससे संतुष्ट हैं? जी हाँ संतुष्ट हूँ। धन्यवाद।